बादशाह अपने किसी वजीर को या किसी गुलाम को कहता है कि ये मेरा बाग है, ये मेरा बाग है, इसके अंदर फल है, बड़े पके हुए फल है, खूबसूरत फल है, ये टोकरी लेगा और इस बाग के अंदर से फल भी ले आ, बाग के अंदर से फल भी ले आ। शर्त ये रहता है कि अगर एक दफा वापस आ गया तो फिर दोबारा मैंने जाने नहीं देगा, दोबारा जाने नहीं देगा। वो गुलाम कहता है ये कौन सी बात है, इतना बड़ा बाग है, इतने पके हुए अनाज और फल पड़े हुए हैं, तो टोकरी भरना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो टोकरी लेकर उस बाग के अंदर चला जाता है और जब पहले हिस्से में दाखिल होता है तो देखता है खूबसूरत फल है, पके हुए हैं, उसके गुच्छे लटके हुए हैं। वो कहते हैं चले अभी मैं यहाँ से बाहर लेता हूँ, अभी मैं यहाँ से बाहर लेता हूँ। ये करते करते उसका उसकी नजर पड़ती है दूसरे हिस्से की तरफ और दूसरे हिस्से में देखता है तो उससे भी ज्यादा पके हुए फल होते हैं। वो कहते हैं इसको छोड़ आगे जाते हैं, वो ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा पके हुए हैं। एक टोकरी तो भरनी है, एक इतनी सी टोकरी है, इसी को भरना है ना। वो पहले हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से की तरफ चला जाता है। जब अगले हिस्से में जाता है तो वो देखता है कि कहा खूबसूरत पके हुए फल है और वो तोड़ने लगता है। जब तोड़ने लगता है तो उसकी नजर तीसरे हिस्से पर पड़ जाती है और वो देखता है कि तीसरे हिस्से में उससे भी ज्यादा अनाज खूबसूरत है, उससे भी ज्यादा पके हुए अनाज है। वो दूसरे को छोड़कर तीसरे की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से अभी वो उसने टोकरी नहीं भरी, वो चलता चलता कहता है जो चौथा हिस्सा है ना उसमें मालूम नहीं कितने पके हुए फल होंगे, इससे भी खूबसूरत होंगे, क्यों ना मैं टोकरी तो भरनी है वहां पर जाके भर लेता हूँ। जब चौथे हिस्से में जाता है तो देखता है कि वहां एक फल भी नहीं, वहां एक फल बाकी नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब वो शर्त के मुताबिक वापस भी नहीं जा सकता और तो चौथे हिस्से में जाकर उसको कोई फल नहीं मिलता, उसी तरह खाली टोकरी लेकर वापस आ गया। इमाम गज़ाली कहते हैं बंदे अल्लाह ने तुझे टोकरी आमाल की देकर दुनिया में भेजा है, दुनिया में भेजा है टोकरी आमाल की देकर। जब तेरी जवानी आई तुमने कहा बुढ़ापे में कर लूंगा, जब तेरे पास तुम 40-50 साल की उम्र आई तुमने कहा बड़ी उम्र है फिर कर लूंगा, जब तेरे पास एक रमजान मारे आया तुमने कहा अभी बड़ी उम्र है अगले रमजान में बांधूंगा, जब तेरे पास कोई नेकी का एक मौका आया तुमने कहा अभी बड़ी उम्र है बाद में कर लूंगा। नतीजा क्या हुआ, तू टोकरी आमाल की लेकर घूमता रहा घूमता रहा, ताकि मरा की मौत आ गया और उसने आकर कहा कि अल्लाह की बारगाह में जाने का अमर आ गया है, हुक्म आ गया है, तुमने कहा मेरी टोकरी तो खाली मैं तो आमाल की टोकरी अभी नहीं भर सका, उसने कहा वक्त गुजर गया, वक्त गुजर चुका है, जिंदगी के लम्हा कहेगा कि मुझे अंदाजा ही नहीं था। उसने कहा वो फरिश्ता कहेगा